और पिछले एपिसोड में आपने देखा आदम डाकू रॉबर्ट के अड्डे पे होता है और येलो क्रिमिनल को अपना प्लान भी बताता है। प्लान के मुताबिक रात को वो रॉबर्ट का ही बम बारूद चुरा के गेट पे लगा देता है और सुबह होते ही सारे क्रिमिनल्स जंगल में आ जाते हैं। फिर आदम डाकू बड़ा धमाका करके उन्हें इशारा दे देता है। तभी उसके सारे आदमी क्रिमिनल का सूट पहनकर रॉबर्ट के अड्डे पे हमला कर देते हैं और उसके सारे आदमियों को मार देते हैं। आखिर में रॉबर्ट जान की भीख मांगता है पर डाकू उसे नहीं बख्शता। अब आगे ओए बताओ घोस्ट क्रिमिनल क्या हो गया जो हम सारे माफियाओं को एक साथ बुला लिया। ओए तुम लोगों को पता ही होगा मेरा एक आदमी था रॉबर्ट जो आदमपुर में मेरा कमोड का कारोबार संभालता था, उसे पुलिस वालों ने मरवा दिया डाकू के हाथों। घोस्ट क्रिमिनल भाई बहुत आपके बारे में सुना है, आज आपसे मिलने का मौका मिल गया। ओए पर तू है कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं सिंह सैंग सू का बेटा हूँ। अच्छा वो तो हमारा पार्टनर था, चाइना में कारोबार संभालता था। हाँ अब वो रिटायर हो गए हैं, इसलिए उनका कारोबार मैं संभालता हूँ। ओए बढ़िया है, मिलके खुशी हुई। वैसे मैंने सुना था आपने एक दिन में एक साथ 3 माफियाओं को मार दिया था, ये बात सच है। ओए अफवाहों पे विश्वास मत करो, 5 माफिया मारे थे। हमें भी मिलकर खुशी हुई नए पार्टनर, मैं रशिया में कारोबार संभालता हूँ। ओए मैं तुम्हें हमारे पार्टनर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है जैक जो यूरोप संभालता है, ये है अमेरिकन बॉस जो अमेरिका संभालते हैं, ये है निकोला ये रशिया संभालता है, ये है पाब्लो ये कोलंबिया संभालता है और ये है जेम्स ये अफ्रीका संभालता है। सबसे मिलके अच्छा लगा, तो बताइए कॉस्ट क्रिमिनल भाई मीटिंग बुलाने का एजेंडा क्या है। ओए माफिया कम्युनिटी का एक नियम है कि बड़े फैसले अकेले नहीं ले सकते, सबकी मंजूरी चाहिए। वैसे मैं इस बकवास पर यकीन नहीं करता, फिर भी मैंने सबको बुला लिया है। क्या बड़ा फैसला लेने वाले हो तुम? ओए मैं ढोलकपुर के DGP को उड़ाने वाला हूँ, साले ने मेरे आदमी को मारा, मैं उसका बदला लूँगा। नहीं ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, हम DGP को कभी नहीं मारते। ओए पर अब नियम बदल चुके हैं, हम मार सकते हैं अगर वो हमारे आदमी को मारे। नहीं नहीं ये नियम किसने बदला? देखो मैं यहाँ तुम्हारी मंजूरी के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि मैं उसे मारने वाला हूँ। नहीं हम इससे सहमत नहीं है, क्यों भाई लोग? हाँ सही कहा, हमें ये मंजूर नहीं है। हाँ अगर वैसा कहेंगे तो पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन लेंगी और हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे। अरे मैं सहमत हूँ अमेरिकन बॉस से, ऐसा नहीं होना चाहिए रे बाबा। बिल्कुल सही घोस्ट क्रिमिनल, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सॉरी घोस्ट क्रिमिनल भाई, सब आपके खिलाफ है तो मैं भी आपका साथ नहीं दे सकता। ओए भूल गए मेरे कितने एहसान है तुम पे। पर हम ये रिस्क नहीं ले सकते, समझा क्या? क्या रे रॉबर्ट मेरा बड़ा भाई था, मैं अकेला जाके उसे मार देंगा, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। घोस्ट क्रिमिनल अपने आदमी को बोल उसकी औकात में रहे, हम बड़े माफियाओं के बीच में ना बोले। ठीक है अभी औकात दिखाता हूँ पीटर। ठीक है बॉस समझ गया। ओए देखो मैं जानता हूँ हम सब मिलके पूरी दुनिया पर राज करते हैं, बुरे समय पे एक दूसरे का साथ देते हैं, पर बड़े फैसले लेने पर सबकी सहमति लेनी पड़ती है, ये बात मुझे रास नहीं आ रही। और बचपन से मैं चाहता था कि मैं अकेला ही इस दुनिया पर राज करूं। अरे इसने गन ले ली, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, घोस्ट क्रिमिनल के इरादे ठीक नहीं लग रहे। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी जरूरत नहीं रही, खत्म कर दो इन्हें। गलत कर रहे हो तुम, पछताओगे। अरे मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। अरे बॉस रशियन माफिया तो भाग रहा है। ओए पता ही था, एक तो भगोड़ा होगा ही, इसीलिए मैंने पहले से ही सबकी कार में बम लगा दिया था। ओए ये लो बम तो बढ़िया है, अब इसी बम से कल DGP को मारेंगे। बम मैं खुद लगाऊंगा उधर पे बॉस। मेरे प्यारे भाई रॉबर्ट तू जहाँ कहीं भी है चिंता मत कर, मैं तेरा बदला लेंगा। ये लो अपन पहुंच गया येड़ापुर, अब बॉस ने तो यही कहीं बोला था साइड पर ही डीलर की झोपड़ी है। हाँ ये रही, लगता है यही चुस्का अड्डा है, अंदर जाके उससे बात करता है मैं।
मेरे को मिठाई लेने भेजा है, मिठाई रेडी है क्या? मिठाई तो है, पर तुमको किसने भेजा है? घोस्ट क्रिमिनल भाई ने भेजा मेरे को, जानता है ना तू? ठीक है, ई रही मिठाई, ले जाओ। ये क्या है रे, बड़ी वाली चाहिए मेरे को, ये सब नहीं चाहिए। वो तो हमारे पास नहीं है, लगता है अब गलत जगह आ गए भैया। मैं जानता हूँ तेरे जैसे लोग कैसे मानते, पीछे आ मेरे, चल। कहाँ ले जा रही है हमका? अरे भाई साहब, ये तो इम्पोर्टेड कमोडवा है, साला बचपन से चाहते थे इस पे बैठे ससुरा। तेरी पूरी फैमिली बैठ सकती है इस पे, 5 कमोड दे रहा हूँ, मेरे को बड़ी वाली मिठाई दे दे। साहब आइए, मेरे पीछे आइए, ये देखिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसी मिठाई आपको पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगी, तो डील डन समझे का? हाँ तो अपनी डील पक्की, तू कमोड रख, मैं चलता है मिठाई लेके। भैया जी एक और कमोड और मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। देता है ना मैं, ये ले रख। मैं रिस्क नहीं ले सकता, अगर पुलिस वाले 2 डंडे मारते तो तू सब बक देता मेरे बारे में। रे भाई डाकू, सब कह रिए थे कि अब तो तू ना बचेगा, पर मन ने पूरा विश्वास था कि तू रॉबर्ट को मार के वहाँ से आ ही जाएगो। डीजीपी साहब, मैंने कहा था मैं रॉबर्ट को नहीं छोड़ूंगा, और मैं जबान का पक्का हूँ, और छोड़ भी कैसे देता उसे, उसने मेरे क्रिमिनल को बंदी बनाया था। पर देख डाकू, आगे से कुछ भी करने से पहले मारे साथ बात कर लेना, हम तुझे खो ना सकते। डीजीपी साहब, मुझे पता था कि आप मुझे रॉबर्ट के अड्डे पे जाने की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। रे यो बात ना से, अगर मन ने पता होता तो मैं थारे साथ पूरी पुलिस फोर्स भिजवा देता। डाकू मैं थारा अच्छा चाहता सू। ठीक है डीजीपी साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। रे भाई, तुमने रॉबर्ट को मार के घोस्ट क्रिमिनल का राइट हैंड उखाड़ लिया, अब वो उतना ताकतवर ना रहा। हाँ डीजीपी साहब, अब आदमपुर मेरा है, उसका कोई भी आदमी यहाँ कदम भी नहीं रख पाएगा। बढ़िया से आदम, वैसे आज एक ढोलकपुर में नया माफिया आया से, उसको उड़ाना से। अच्छा, तो वो भी घोस्ट क्रिमिनल के लिए काम करता है? हाँ भाई, वो उसी का आदमी से घोस्ट क्रिमिनल के लिए ही काम करता से। ठीक है डीजीपी साहब, आप मुझे बस उसका पता बता दीजिए, ऐसे मारूंगा कि ढोलकपुर में कोई माफिया कदम रखने से पहले भी 100 बार सोचेगा। ठीक से डाकू, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं तन्ने भिजवा देता सू, काम होने के बाद बात करेंगे। बाबू मोसाई, डीजीपी साहब गलती कर रहे हैं, एक शैतान को मारने के लिए दूसरे शैतान का साथ दे रहे हैं। उनको नहीं मालूम ये सब खत्म होने के बाद डाकू उनके हाथ से निकल जाएगा, और पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत डाकू ही बनेगा। ये लो पहुंच गया ढोलकपुर पुलिस स्टेशन, डीजीपी साहब से बात करता हूँ, उन्हें समझाना पड़ेगा। डीजीपी साहब कहाँ है? सर वो अंदर ही है अपने केबिन में। ठीक है, थैंक यू। रे के बात से इंस्पेक्टर रिपोप, आज तू यहाँ? हाँ डीजीपी साहब, एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आया था, सोचा आपसे मिलता जाओ। ठीक से भाई, बता कैसा चल रही है से सब? कुछ सही नहीं चल रहा है डीजीपी साहब, घोस्ट क्रिमिनल के आदमी मेरे हाथ ही नहीं आ रहे, हर बार चकमा दे के भाग जा रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर, वो तो से उन्होंने नाक में दम कर रखा से, पर अच्छा से हमारे पास आदम डाकू से, उसने कल रॉबर्ट को मार दिया, इससे हमें एक फायदा तो हुआ से, घोस्ट क्रिमिनल के सारे माफिया डर गए से, अब आदमपुर में अपना धंधा बंद कर देंगे। डीजीपी साहब आप गलती कर रहे हो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये सब रोक दो, डाकू को जेल में डाल दो। तन्ने के दिक्कत से इपू, अभी तो वो हमारी भलाई के लिए ही काम कर रिया से। वो हमारी नहीं, खुद की भलाई का सोच रहा है, जेल से छूट गया, पुलिस वाले भी बीच में नहीं आएंगे, जब चाहे तब किसी को भी मार दिया, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, अब वो फिर से अपना कमोड का साम्राज्य बना लेगा। अरे ऐसा कुछ ना होगा, तू फालतू में ही ज्यादा सोच रिया से। पर डीजीपी साहब, हम भी तो ये कर सकते थे, डाकू की क्या जरूरत थी? पीपू तू एक बात सोच, अगर हम यो काम करते, माफिया को मारने जाते, तो इसमें हमारे पुलिस वाले और माफिया दोनों मारे जाते, इससे अच्छा से गुंडों को ही गुंडों को मारने भेजो, दोनों तरफ सिर्फ गुंडे मरेंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। और डीजीपी साहब, रॉबर्ट को मार के हमने घोस्ट क्रिमिनल को गुस्सा दिला दिया है, वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा। रे अभी तो वो सदमे में होगा भाई, कुछ ना होगा उससे। वैसे डीजीपी साहब क्या बात है, पिज्जा खा रहे हो, आपके भी मजे है। रे यो तो मारा ना से, पता ना यो डिलीवरी वाला यहाँ क्यों छोड़ गया।
एक मिनट, वो डिलीवरी वाला तो मुझे सामने मिला था, टकला था क्या? हाँ भाई, टोपी पहन रखी थी, शायद टकला ही था। अरे डीजीपी साहब, ये चाल है घोस्ट क्रिमिनल की। सड़क पे कोई नहीं है, यही फेंक देता हूँ। रईपू, तू सही निकला, जो घोस्ट क्रिमिनल की ही चाल होगी मन्ने मारने की। डीजीपी साहब, आपको संभल के रहना होगा, और मैं उसका पीछा करता हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो, धमाका हो गया, मतलब डीजीपी तो गया। साले रुक जा। अबे ये क्या, इसको मेरे बारे में पता चल गया, रफू चक्कर होना पड़ेगा। रुक जा साले, इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे ये क्या, अभी तो मेरे सामने ही था, कहाँ चला गया? यही कहीं छुप के बैठा होगा, ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, साला भेस बदल के बैठा है। अबे साले ने मेरे को पहचान लिया, भागना पड़ेगा। साले कुछ भी कर ले, आज तो तू नहीं बचेगा। ये क्या, फिर से गायब हो गया, मुझे किसी को पूछना पड़ेगा। सुनिए भाई साहब, किसी टकले आदमी को देखा आपने? अरे अरे ये क्या, ये तो वही है। कितना भी भाग ले नहीं बचेगा। अबे कहाँ चला गया? एक सेकंड, ये आदमी इधर क्यों लेटा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। अबे स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, हो जा। अच्छा तो इसकी कार चुरा कर भाग रहा था। मैंने कहा था मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, चल अब बाहर निकल। ये क्या, कार में तो कोई नहीं है। कंट्रोल रूम पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो। घोस्ट क्रिमिनल का बहुत ही खतरनाक आदमी शहर में घूम रहा है, और वो टकला है। जितने भी टकले लोग दिखे उन सबको पकड़ लो। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये टकला। इंस्पेक्टर हिपॉप ने तो मेरा इस शहर से निकलना बहुत मुश्किल कर दिया है, कुछ सोचना पड़ेगा। सुनो 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 आदमपुर वासियों, हमारे सरकार अब लौट आए हैं। घोस्ट क्रिमिनल का एक भी माफिया अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा, सिर्फ हम लोग ही कर पाएंगे, है ना ऐसी बात? जिस भी अमीर बाप की औलाद को विदेशी कमोड चाहिए तो वो हमसे संपर्क करे, और गरीबों को हफ्ते में एक बार विदेशी कमोड पे अगने का मौका मिलेगा, है ना हमारे सरकार दिलवाले? रॉबर्ट को मार के तू अपने आप को अच्छा समझता है क्या जी? नहीं, तू भी वही है, गांधी नाली का कीड़ा। तेरी इतनी हिम्मत हमारे सरकार के खिलाफ बोला? मैंने कुछ गलत नहीं किया जी, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। सरकार ने बहुत गलत किया, जैसे खूंखार बदमाश को जेल से बाहर निकाल दिया, इसे तो पूरी जिंदगी सड़ना चाहिए जी। मैंने आदमपुर के गरीबों के लिए क्या क्या नहीं किया वो मत भूलो तुम लोग। तो कितने भी अच्छे काम कर ले, अपने बुरे कामों को नहीं छुपा सकता जी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी क्रिमिनल। सुन लो गांव वालों, जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उसका यही असर होगा,